Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new here, hi, my name is Urvashi and I post makeup and fashion related content on my channel. So in today's video, जैसा कि आपने टाइटल से पढ़ लिया है कि मैं आपके साथ मेकअप रूटीन शेयर करने वाली हूँ कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए. सो ये जो मेकअप लुक है ये मैंने क्रिएट किया है कॉलेज के हिसाब से और ये मैं खुद भी कॉलेज जाती हूँ तब ऐसा ही मेकअप करके जाती हूँ. सो मैं आपके साथ में कोई चीटिंग नहीं करूँगी यहाँ पे कि आपको कुछ अलग दिखाऊंगी और मैं कुछ अलग करूँगी. सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू. एंड आज का जो वीडियो है वो अफोर्डेबल रेंज का मेकअप भी होने वाला है बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग अंडर 300 विच इज इम्पॉसिबल राइट नाउ क्योंकि अब जो मेकअप ब्रांड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई एंड पे बनाने लग गए. लाइक 450-500 से नीचे कोई भी मेकअप प्रोडक्ट अब लॉन्च ही नहीं होता है. सो मेरे पास में जो भी है जो मैं खुद करती हूँ वही मैं आपसे शेयर करूंगी. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप इनटू द वीडियो. नाउ लेट्स स्टार्ट विद टोनिंग योर स्किन. नाउ आई एम यूजिंग दिस अरोमा मैजिक स्टोनर और ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था और ये अभी मेरा पर्सनल फेवरेट है बिकॉज इट इज 100% फ्री फ्रॉम एल्कोहल पैराबेंस एंड व्हाट नॉट. सो दिस इज गोइंग टू बी माई फेवरेट फॉर अ लॉन्ग टाइम आई गेस. और अगर आपके पास में अच्छा टोनर नहीं है या कोई भी टोनर नहीं है सो यू कैन ऑल्सो यूज रोज वाटर. लाइक डाबर का आता है, कामा आयुर्वेदा का आता है. डाबर का आई गेस 90-100 रुपीज में आ जाता है बट कामा आयुर्वेदा का जो होता है वो 295 या 300 समथिंग का होता है. आई डोंट नॉट हैव एनी आइडिया बट इस टाइप का ही कुछ उनका सीन है. सो यू कैन ऑल्सो यूज रोज वाटर. सो या लेट्स स्टार्ट विद दिस. एंड आई हैव ऑयली स्किन सो मैं इसलिए से यूज़ करती हूँ बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन के लिए. ना मैं आपको अरोमा मैजिक का जो था प्राइस बताना भूल गई थी एंड आई गेस दैट रिटेल्स फॉर 185 रुपीज फॉर आई गेस 210 ml ऑफ क्वान्टिटी. आई हैव दिस टोनर विच इज 100 ml इन क्वान्टिटी एंड इट रिटेल्स फॉर 115 सो विच इज बजट फ्रेंडली. नाउ द सेकेंड स्टेप इज सेरम. आई यूज मॉइस्चराइजर समटाइम्स एंड सेरम समटाइम्स. सो या कॉलेज रूटीन के अंदर मैं ऑलमोस्ट हमेशा मॉइस्चराइजर एंड सेरम को मिक्स कर लेती हूँ और ये बायोटिक का बायो डेंडेलियन सेरम है. दिस इज विजिबली एजलेस सीरम. नाउ इट रिटेल्स फॉर 230 फॉर 40 ml ऑफ प्रोडक्ट विच इज आई गेस क्वाइट गुड और थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकते हैं इसे 40 ml के हिसाब से बट आई डोंट थिंक सो कि स्किन केयर के अंदर आपको चीप ब्रांड्स के ऊपर रिलाई करना चाहिए बिकॉज स्किन है भाई. नाउ ये वाला जो सीरम है ये आपको मॉइस्चराइजर से पहले लगाना होता है बट मैं इसके बाद में मॉइस्चराइजर बहुत कम बार लगा पाती हूँ बिकॉज ये बहुत अच्छा सीरम है. सो या आई ओनली टेक 2-3 ड्रॉप्स और मैं इसको सिर्फ पैट करूँगी अपनी स्किन पे. Now for the third step, I'm using BB cream and this is from the brand Pond's. गार्नियर का भी बीबी क्रीम मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था सो आप वो भी यूज़ कर सकते हो. उसका थोड़ा सा शेयर कवरेज है और इसका शेयर से मीडियम कवरेज है एंड ये थोड़ा सा अच्छे आई गेस बोल सकते हैं कि फाउंडेशन टाइप का लुक दे देता है आपको. सो आई यूज दिस. ना इसको मैंने बैक ऑफ द हैंड पे इतना ले लिया है जैसे 2-3 पम्प्स हैं और मैं इसको अपने फेस पे अच्छे से डॉट मोशन में अप्लाई कर लूँगी. डेली बेसिस पर आई डोंट थिंक सो आपको फाउंडेशन यूज करना चाहिए बिकॉज केमिकल्स बहुत सारे होते हैं फाउंडेशन में. सो आई अवॉइड यूजिंग फाउंडेशन ऑन डेली बेसिस. मैं ऑलमोस्ट बीबी क्रीम या फिर कभी कभार बीबी क्रीम भी नहीं लगाती कुछ टाइम से. नाउ विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश आई एम गोइंग टू अप्लाई इट. बीबी क्रीम आई गेस रिटेल्स फॉर 350 बट आपको ऑनलाइन हमेशा ही अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे सो यू विल गेट लाइक अराउंड 295 आपको पड़ जाएगा क्योंकि मुझे भी ये 283 समथिंग का ही पड़ा था. सो यू कैन चेक ऑफर्स ऑन बीबी क्रीम. Thank you.
बीबी क्रीम को मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है और इसको मैं सेट कर लूंगी। और मैं पूरा फेस नहीं सेट करती, मैं वहीं पे सेट करती हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि क्रीज हो सकता है मेरा बीबी क्रीम, सो मैं वहीं सेट करती हूँ इसको। नाउ मैंने बीबी क्रीम के साथ में फेस कॉम्पैक्ट अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और सारा फेस अच्छे से सेट कर लिया है। नाउ द फेस कॉम्पैक्ट आई एम यूजिंग इज फ्रॉम द ब्रांड फेसेस कैनेडा एंड दिस इज माय रीसेंट फेवरेट बिकॉज इट रिटेल्स फॉर ओनली 199 व्हिच इज वेरी अफोर्डेबल। लाइक लुक एट द पैकेजिंग, लुक एट दिस पैकेजिंग, दिस इज ऑल्सो अंडर 300। सो मैंने सोचा इसे भी मेंशन कर लेती हूँ बिकॉज दिस इज ना। द नेक्स्ट स्टेप इज माई फेवरेट एंड दैट इज आईब्रो फिलिंग। और उसके लिए मेरे पास में बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। मैं ऑलमोस्ट एवरी टाइम इस आई शेडो से ही फिल करती हूँ, बट आई ऑल्सो हैव दिस आईब्रो पेंसिल एंड आई गॉट दिस फ्रॉम मिनीसो और ये ठीक है, मतलब काम चलाओ बोल सकते हैं इसको। सो आई हैव टू पैलेट्स अंडर 300 एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड एले कलर्स एंड दिस इज फ्रॉम SFR कलर। और ये वाला थोड़ा सा ओकेश है बिकॉज इसका जो पिगमेंटेशन है इज नॉट दैट गुड, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं अच्छा सा पिगमेंट। आई शो यू, आई एम टेकिंग दिस ब्राउन कलर एंड इसका पिगमेंट नहीं आता है, पता नहीं क्यों नहीं आता है इसका पिगमेंटेशन, बट इसके कलर्स बहुत प्रिटी हैं, लुक एट द कलर्स। और अगर आपको आपके पास बहुत सारा टाइम है आप इसके साथ में सेटिंग स्प्रे यूज कर सकते हो। नाउ फॉर आईब्रो आई एम यूजिंग दिस SFR पैलेट विच इज माई वन ऑफ द फेवरेट पैलेट और मैं इसका और हमेशा यही वाला यूज करती हूँ आईब्रो में बिकॉज दिस इज आई गेस डार्केस्ट ब्राउन, सो ये ऑलमोस्ट ब्लैक कलर होता है बट ब्लैक बहुत ज्यादा वियर्ड फेस बना लेता है, सो आई यूज दिस ब्राउन कलर। नाउ जो डेली रूटीन होता है उसके अंदर मैं आई शेडो नहीं लगाती ज़्यादा और ना ही मैं लाइनर लगाती हूँ, सो मैं थोड़ी सी अपनी आईब्रोज अच्छे से फिल कर लेती हूँ ताकि मेरा फेस बहुत नेचुरल लगे। और उसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ प्रेफर नहीं करती हूँ। नाउ विद द हेल्प ऑफ आईब्रो पेंसिल, इसके साथ में ये रिट्रैक्टेबल वाली है सो इसके साथ में ये ब्रश भी आता है आईब्रो ब्रश, मैं इसी को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, सो इसको हम कुछ अच्छे से कोम कर लेंगे। जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो होने वाला है आई शेडो। नाउ आई शेडो के लिए मैं ये एले कलर्स का यूज़ करने वाली हूँ विच रिटेल्स फॉर आई गेस 248 इफ आई हैवंट मेंशन द रेट येट। सो इसका मैं यूज़ करने वाली हूँ दिस ब्राउन आई शेडो और ये मैं थोड़ा सा अपने हैंड पे ले लूँगी। यू कैन ऑल्सो यूज आई शेडो ब्रश बट बहुत ही सटल मेकअप करना है सो डू नॉट यूज टू मच, ओके। और मैं वापस वही वाला शेड यहाँ भी यूज़ करने वाली हूँ। नाउ आई शेडो हो चुका है, बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाइलाइटर प्लेस करूँगी और हाईलाइटर के लिए आई शो यू, हाईलाइटर के लिए आई एम यूजिंग दिस शेड दिस वन और आई प्लेस इट हियर। द नेक्स्ट स्टेप इज मस्कारा। नाउ फॉर मस्कारा आई एम यूजिंग दिस मेबलिन हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस वाटरप्रूफ मस्कारा एंड आई गेस दिस रिटेल्स फॉर 350 बट इस पर हमेशा आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। और ये मैंने अभी तक के 3 to 4 परचेज कर चुकी हूँ और मैंने हमेशा इसको 250 अराउंड परचेज किया है, सो या दिस इज माई फेवरेट मस्कारा, अफोर्डेबल है बिकॉज बहुत ज़्यादा, सो आई कर्ल दिस। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक आइज चाहिए सो यू कैन कर्ल दिस 2 or 3 टाइम्स।
सी द डिफरेंस. ये बहुत अफोर्डेबल और बहुत ज़्यादा अच्छा है. सो मैं इसे बहुत रेगुलरली यूज करती हूँ एंड आई लिटरली लव इट. I'm using this Aroma Magic again as a setting spray. You can use rose water as well, कोई भी अच्छे ब्रांड का rose water. For the lips, I have two products, one from the Nykaa and second one is from the Faces Canada. And this one retails for I guess 200 and this one retails for 249 I guess, if I'm not wrong. Now ये जो दोनों मेरे पास में shades हैं, ये दोनों ही brown shades हैं. I'll show you the shade. This is pure brown shade and the second one is also a brown shade. Look at the brown shade. Okay, so कोई सा भी मैं use कर लेती हूँ because दोनों ही same है. So I'm using this one from Faces Canada and I'm in the shade 4sec Beauty और ये बहुत ही प्यारा brown nude shade है. So you can use it on a daily basis like college going girls और जो भी कॉलेज गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा शेड है. सो यस सो दैट्स इट. और अभी आपको मैं एक बहुत ही अच्छा लाइफ हैक देने वाली हूँ एंड दैट इज़ ब्लश. अब बहुत सारे लोगों के पास में पर्टिकुलरली एक ब्लश नहीं होता है. सो यू कैन यूज़ अ लिपस्टिक और आई शेडो इंस्टेंट. आप कोई सा भी लिपस्टिक जैसे कि अभी जो मैंने ये लगाया 4sec Beauty, आई एम गोइंग टू यूज़ दिस. अब आप ये सोचोगे कि दिस इज़ अ ब्राउन शेड और ये ब्लश कैसे बना. आई एल शो यू हाउ इट वर्क्स. वॉट यू हैव टू डू इज जस्ट take the lipstick on your palm, like on your palm, okay, like this and what you have to do is aapko haath jodne hai acche se and aapko smudge kar lena. Now aapko apne cheek bones pe isko apply kar lena. Can you see that? और आपको सेम यहाँ पे भी यही करना है. यू हैव टू अप्लाई इट. एंड आई लाइक टू अप्लाई सम पार्ट ऑफ ब्लश ऑन माय नोज टू. गेस आपको ये विजिबल हो कि दिस इज नॉट लुकिंग ब्राउन, दिस इज लुकिंग रेड इन कलर विच इज वेरी गुड. सो दिस वॉज इट. यही था मेरे पास में अफोर्डेबल रेंज के अंदर मेकअप अंडर 300. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस मेकअप लुक टू. एंड इफ यू लाइक इट डू नॉट फॉरगेट टू ट्राई इट ऑन योर सेल्फ एंड शेयर द पिक्चर्स विद मी ऑन इंस्टाग्राम. विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप लविंग मी. टेक केयर. बाय.